गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल डॉट मम्पी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, हम और बिट्टू, क्योंकि घर में बैठे बैठे इतना बोर हो रहे थे। तो बिट्टू बोला चलो रात का जो डिनर करेंगे वो बाहर से लेके आते हैं। एक सेकंड, अभी थोड़ा बहुत लाउड बोल रहा है, बाहर जाके बात। तो वहाँ पे ना ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत लाउड बोल रहा था, तो इसलिए हम इधर आके बात कर रहे हैं। तो अभी रात में मम्मी को और सबको ना तू जामी जाबो ना घंटा है आमी और तू जामी घंटारी आज। तो वहाँ पे मतलब आज सबको ना थोड़ा सा मिक्स चाव खाने का मन किया सबको, परसों से करा था लेकिन नहीं हुआ। तो आज मम्मी भी बोली कि हमको भी मन कर रहा है, अभी चलो मम्मी पापा को मन करते ना तो हम एक कदम भी दूर नहीं रहते हैं, भले हम मेरा अच्छा या किसी के पास अच्छा लगे ना थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है चलो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों ऐसे। लेकिन मम्मी पापा का कुछ पसंदीदा काम हो उसको हम कभी इग्नोर नहीं करते। तो इसलिए अभी निकल पड़े हम और बिट्टू, जाएंगे और चाउमीन लेके आते हैं मिक्स चाउ और रात में खाएंगे। हम लोग तो डिनर 2 बजे करते हैं, अभी हम और पूजू डिनर 2 बजे करते हैं, मम्मी लोग 10 बजे कर लेते हैं। तो हम इसलिए लाके लग रहे क्योंकि बाहर अभी आके बैठे के मस्त गपशप करेंगे। तो चलो बिट्टू भी गई चाबी लेने, क्योंकि वहाँ पे जिससे चाबी लेते ना उसका एक दोस्त है, उससे चाबी लेके मतलब कहीं जाना आना होता है तो उससे चाबी लेके आते हैं। तो वो उधर शायद उधर है, उसको बिट्टू को फ़ोन करके बुलाया तो वो बिट्टू गया और हम इधर ही खड़ा है क्योंकि उधर ना उधर साइड अंधेरा है, फिर अच्छे से व्लॉगिंग नहीं कर पाते। हम लोग ब्लड डोनेट करने आए हैं हम और पूछू, तो अगला बार भी दिए थे, इस बार भी दे रहे, मेरा सेकेंड टाइम है। अभी पानी पीने बोला 2 बॉटल, तो उधर अंदर ना वीडियो अलाउड नहीं है, तो हम बाहर जितना हो पाए दिखाएंगे, फिर घर जाके बोलेंगे। हाँ हमको डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है। तो हम लोग ब्लड डोनेट कैंप के अंदर आ गए, मेरा फेस देख रहे हो, हमको इतना डर लग रहा था ना, इतना डर लग रहा था। और यहाँ पे मेरा दोस्त लोग भी देगी, पूछू हाँ मेरा दोस्त लोग सब एक साथ देंगे, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पूछू ना बैक कैमरा ना पहुँच के व्लॉग वीडियो स्टार्ट कर दिया था, कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी पूरी जबरदस्ती व्लॉग लिया। तो अभी मायरा को रेडी करेंगे, खिलाएंगे। और आज है नील षष्ठी, मतलब बच्चा लोग के लिए पूजा रखा जाता है, जैसे बिहार में क्या है, जितिया। हाँ जैसे बिहार में जितिया है ना, वैसे हम लोग बंगाल ये वाला पूजा मानते हैं नील षष्ठी। नीलेर बाती भी बहुत लोग बोलते हैं, मतलब जो जिसका मतलब अपना बेटा बेटी के लिए पूजा किया जाता है, वो तो शायद बेटा के लिए होता है जितिया, बेटा बच्चे के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं बेटा के लिए होता है, लेकिन ये जो पूजा है ना ये बेटा बेटी दोनों के लिए होता है, मतलब जिसका बच्चा है उसका मतलब ऐसे वाला पूजा है। हाँ कैंडल जलाता है, मतलब सहते हैं। तो आज वैसे हम भी फर्स्ट किए, हम कल ही बाहर बोल रहे थे मायरा कितना लकी है कि मायरा मतलब बिहार वाला जो पूजा है वो भी हम करते हैं और ये वाला पूजा ये भी हम करते हैं मायरा के लिए, बंगाली बिहारी दोनों मिला के पूजा करते है ना। तो ये जो चाची है ना ये भी करती है, ये भी बिहारी है, लेकिन मतलब ये जितिया भी करती है और ये वाला जो नील षष्ठी है वो भी करती है। तो आज हम सोच रहे हैं ना क्या पहने, फिर मम्मी बोली येलो साड़ी लाए हैं, आप लोग देखे भी हो जो शादी में पहने थे बिजन भैया का, भैया का शादी में बहुत रील्स भी शूट किए, वो वाला साड़ी पहन लेंगे। पहले अभी उठे हैं, मायरा को कुछ खिला विला देते हैं, उसके बाद हम तैयार होने लग जाएंगे। अभी पूजा होगा क्या, उसके बाद पूजा देने निकलेंगे बाहर। और मम्मी गांव में व्यस्त है, अभी से बाहर आके देखो मायरा को देखो। तो चलो अभी मायरा को खाना खिला देते हैं, थोड़ा सा रेडी हो गए क्योंकि हमको थोड़ा सा फल लेना है। वैसे नॉर्मल फल तो पापा लाएंगे, लेकिन अब पापा बेल और कच्चा आम का जरूरत होता है इस पूजा में, जो कि पापा के पास नहीं है, पापा बोले इधर से ले लेने। बाबा मायरा अपनी नानी को कैसे प्यार कर रहे, आप लोग देखना चाहोगे, देखो रहे हो प्यार देख रहे हो बस। तो अभी इसलिए जाएंगे कच्चा आम और बेल लाने, बेल पत्ता नहीं बेल लाने। तो हम और पूजू दोनों जाएंगे, पूछू गई है अपना घर, वो 2 दिन से यहाँ पे थी तो घर गई है, अभी फिर चुम्मा दे रही है। बापरे बाप इतना क्यों पटा रहे हो आप मेरे मम्मी को, आज मोहल्ला के नाम को पूजा कर लेंगे तो हमको भी चुम्मा देना। बहुत प्यार लग गया, थोलो अभी हमको चलो
चलो हम जा रहे हैं, हम पूछो के पास जाएंगे, पूछो और हम दोनों एक साथ बजा जाएंगे। तो हमको इस सब का कुछ नॉलेज नहीं है, कितना लेना पड़ता है, क्या 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 और क्या चाहिए। और पर्स तो दादा पर्स है मेरे को नहीं। तो अभी नहा लिए, फ्रेश हो गए हैं और ये येलो कलर की साड़ी पहन लिए। अभी जल्दी के थोड़ा बहुत मेकअप करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली मतलब बच्चा के लिए पूजा देंगे और आज रात में ज़्यादा फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये है क्या बताए, गेम है, बच्चा बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोगों का ना गेम होगा, तो इसलिए सोचे ज़्यादा ही साड़ी पहनेंगे। हम रात भर रहने वाले हैं क्योंकि फिर इसको चेंज करके कौन कुर्ती पहनेगा, तो यही पहने रहेगी। ये बहुत लाइट वेट साड़ी है, अच्छा भी लगता है हमको बहुत इसका कलर, तो यही पहन के रात भर रह जाएंगे हम। रात में तो सोते टाइम तो चेंज करते ही है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि यही पहन लेते हैं। तो चलो जल्दी से फटाक से क्यूट सा और बहुत छोटू सा पुचकू सा मेकअप कर लेते हैं। तो आप लोग बोलोगे छोटू पुचकू मेकअप क्या होता है, मतलब थोड़ा सा मेकअप, ठीक है। तो हम हो गए हैं रेडी, कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स करके। और ना आंचल ना ऐसे छोड़े हुए हैं क्योंकि उस पर पिनअप किए थे और आज हम सोच आंचल छोड़ के रहेंगे। और मम्मी बहुत गुस्सा हुई क्योंकि हम लोग बहुत लेट से उठे हैं, इसलिए मम्मी चिल्ला रही नीचे डांट रही है। और बिंदी नहीं मिला हमको, बिंदी नहीं लगा, मम्मी बहुत बड़ा बड़ा बिंदी लगाती है और हमको इतना बड़ा बिंदी पसंद नहीं है। तो ऐसे लुक क्रिएट किए बहुत नॉर्मल सा, कैसे लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताना। नॉर्मल सा तो लामा के की बोलो ना कि नॉर्मल सा, हाँ ये मतलब मेरे से भी नॉर्मल वो मेकअप की और हम थोड़ा सा मतलब नॉर्मली किया है। मेरा डार्क मेकअप मतलब आई शेडो बहुत डार्क, मतलब ऐसे लिपस्टिक बहुत डार्क वैसे, और भी दो तीन कोड ऊपर लगाते हैं जैसे कि कंसीलर वगैरह, जो कि अभी कुछ भी नहीं लगाए हैं, मतलब फाउंडेशन लगाए, कंसीलर वगैरह नहीं लगाए। तो चलो पूजा देके आते हैं, उसके बाद कुछ कुछ शॉर्ट्स बनाने जाएंगे। तो अभी यहाँ पे पूछू का और मेरा सबका मतलब सामान एक साथ रखते थे, पूछू और हम यहाँ मतलब एक साथ देंगे पूजा, सब पूजा कर लिया, हम ही लोग लेट हो गए। बस हाथ पैर जैसे कि जल्दीबाजी का काम ना ऐसे ही होता है। सब फल ले लिए, नीचे जा रहे। साड़ी पहन के उतरना बहुत टफ होता है, मतलब आवाज छूट गया ना मैंने यहाँ रहना। तो यहाँ पे हम लोग का जो शीतला माँ का मंदिर है ना, वहाँ पे शिव भगवान का पूजा हो रही है। वो और यहाँ पे हम लोग लाइन पे खड़े हैं पूजा देने के लिए, आंटी लोग निकलेगी फिर हम और पूजा जाना। और हम तोटा करवा, हमार तक क्या करोगे, हम ही कर दो, मतलब देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉगर्स लोग, हम तुम्हारा ब्लॉगिंग कर देंगे, तुम मेरा ब्लॉगिंग कर देना, डील चल रहा है यहाँ पे। सिलाई को तो जाए नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है कैमरा पकड़ने का। एक भाई था छोटा सा, उसको हम बोले थोड़ा सा फोन पकड़ दो, वो हेल्प कर रहा है क्योंकि जो कैमरा करता है हम लोग का वो अभी तक नहीं आए हैं। उनको हम खुद बोलते हैं कि अभी मत आइए, हम अकेले कर लेंगे, जितना हो पाएगा हम खुद कर लेंगे। लेकिन अभी मतलब ये सब टाइम में ना जरूरत होता है क्योंकि हम लोग खुद बिजी रहते हैं ना, तब जरूरत होता है, तभी फोन करके बुलाए उनको, आते थे थोड़ा टाइम लगा दीदी अभी ना। अच्छा तो लगे सर पूजा स्टार्ट हो गया। बहुत देर तक लाइन पे खड़ा होने के बाद फाइनली हम और पूजू जाके पूजा दे रहे हैं। और हर पूजा का एक नियम होता है, वैसे ही इस पूजा का एक नियम है, मतलब आप जिसके जिसके नाम पे पूजा करोगे ना उसके नाम का अगरबत्ती सॉरी दिया जलाना पड़ता है, मतलब मोमबत्ती जलाना पड़ता है जिसके जिसके। तो हम ना बाबू के नाम पर, मायरा के नाम पर और मेरी ननद का बेटा लोग है शुभम, आरू, ओम और फिर मेरा भाई और मेरा मौली मेरा ननद है उसका, इन लोगों के नाम पे पूजा दिए हैं। तो सबके नाम का मोमबत्ती जलाए जलाना पड़ता है।
तो हम भी आप लोग गिन नाम भी उतना मोमबत्ती जलाए हैं। और जब मोमबत्ती जलाओगे ना तो जिसके जिसके नाम पे पूजा करोगे उसके उसके नाम लेना पड़ता है और वो मोमबत्ती जलाना पड़ता है, यही रूल्स होता है इस पूजा का। और सारा दिन बस पानी और कुछ भी नहीं खा पी के ये पूजा देना पड़ता है। उसके बाद पूजा देने के बाद आप निरामिष कुछ भी खा सकते हो, जैसे कि शरबत हो गया, छातू हो गया या पूरी और कोई सब्जी, लेकिन प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए उसमें। तो हम लोग तो पहले पूजा दे दिए, लेकिन मेरा ये था ना कि हम कुछ खाएंगे नहीं, मतलब पानी और उसको क्या बोलते हैं दही का लस्सी का पियेंगे, हम लोग का प्लानिंग ये था। उसके बाद फिर ना यहाँ पे बगल में प्रसादी दे रहा था, भगवान से ही चढ़ा हुआ प्रसादी था वो, तो फोर्स करने लगा कि नहीं वो खाना पड़ता है, चलो चलो खाओ। तो अब उसके बाद पूजा देने के बाद हम लोग गए थे प्रसादी खाने पूरी सब्जी का। आप लोग ये पूरा व्लॉग देखो, आप लोग को मतलब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, बहुत मतलब कभी कभी पूजा करने में हमको बहुत अच्छा लगता है, और जो भी करते हैं ना हमको बहुत अच्छा लगता है, क्या बताएं आपको, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पूजू को हम सुबह से बोल रहे थे कि कल से ही बोल रहे थे कि पूजू कल रेडी रहना, हम नील का बात ही करेंगे। हम हर साल करते हैं, हर साल बोलते हैं, जिस साल से मायरा हुई है उसके बाद, मतलब दो ही साल से कर रहे हैं, मायरा होने के बाद ये सारा पूजा हम करते हैं। तो हम पहले सोचते थे कब मेरा एक बेबी होगा तब हम मेरा बेबी के नाम पे ऐसे ऐसे पूजा करेंगे, और ये पूजा जिसका बच्चा होता है उन्हीं लोग करते हैं। तो हम तब से सोचते कब मेरा एक बेबी होगा हम भी उसके नाम पे ऐसे पूजा करेंगे। फाइनली मेरे पास हीरा है, हीरा मेरा मायरा, तो उसके लिए यही सारा पूजा। तो पूजा देते तो सबके नाम पे दे देते हैं, मेरा भांजा लोग के नाम पे, मेरी ननद के नाम पे, बाबू के नाम पे भी हम दिया जलाते हैं। तो चलो आप लोग पूजा देखो, आई होप आप लोग ये वाला पूजा इंजॉय करोगे। उसके बाद हम और बहन तब बोले ही है जाएंगे थोड़ा सा लस्सी वगैरह पीने और खाने। तो पूजा हो गया डन, अभी जाना है घर और पानी पीना है। भाई हमको बहुत पानी प्यास लगा, पानी पियेंगे और मायरा को मम्मी पापा ना नहीं खाना। अच्छा मम्मी थोड़ा सा खिलाई है और बहुत बदमाशी उसको खिलाना भी है। और यहाँ पे सोमनाथ आए हैं तो कुछ उसके साथ बकड़ बकड़ कर रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे ना मतलब जो लोग सहे हैं आज के दिन, यहाँ पे पूरी सब्जी बन रहा है। तो यहाँ पे पूरी सब्जी खिला रहे हैं उन लोगों को जो लोग सहे हुए हैं आज। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी सबको खिला रहे हैं और यहाँ पे सब ये है नानी एक। तो चलो अभी हम लोग भी खाएंगे, हम लोग खाएंगे। मतलब ये ना निरामिष होता है, मतलब इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। जो लोग सहते हैं सुबह से पूजा करते हैं उसके बाद आके ये सब्जी पूरी मतलब अंकल लोग बना रहे हैं देखो, तो वो वाला खाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग खाने आए हैं। तो चलो पहले खा ले, पेट में ना चूहा दौड़ रहा है लिटरली, और इसका भी चलो खा लेते हैं।